ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची महिला गिरफ्तार कर ली गई है। नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची थी सीमा हैदर। हरियाणा के बल्लभगढ़ से पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा थाना इलाके में सचिन नाम की व्यक्ति के साथ रुकी हुई थी ये महिला और सचिन से शादी करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंची थी महिला। 13 मई को प्रेमी सचिन के साथ पाकिस्तानी महिला पहुंची थी ग्रेटर नोएडा। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तानी महिला और सचिन से करेगी जांच। पबजी गेम खेलते समय 2019 में सचिन और सीमा की हुई थी दोस्ती। नेपाल से दिल्ली बस में आकर ग्रेटर नोएडा अपने बच्चों के साथ पहुंची थी सीमा। पुलिस ने 6 पासपोर्ट, 5 वेरिफिकेशन कार्ड, 4 मोबाइल फोन और 2 वीडियो कैसेट भी बरामद किए हैं। पाकिस्तानी महिला और संरक्षण देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है सर, किस तरीके से पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है और किस तरीके से पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में आई थी? देखिए, रघुपुरा पुलिस के पास एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी मूल की महिला है, 4 बच्चे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति ने उन्हें संरक्षण दिया है, वो यहाँ पे हैं। उनको बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया गया है और जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें यह बताया गया है कि सीमा जो है इसके संपर्क में, सचिन जो कि रघुपुरा का रहने वाला है, इसके संपर्क में 2019/20 में आई थी। पबजी गेम खेलते हुए ये लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे और उसके बाद ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे के संपर्क में थे, थोड़े क्लोज आ गए थे। इस साल ये लोग मार्च में नेपाल में मिले थे और उसके बाद फिर से मई में ये लोग मिले थे जब इन्होंने इधर मूव करने का पूरा प्लान किया था। इसके लिए सीमा ने वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था जिसने इसका नेपाल का जो वीज़ा है वो अरेंज करके दिया था। नेपाल से पोखरण से वाया बस ये यहाँ पाई थी जहाँ पे इसको सचिन ने रिसीव किया था। सर, बरामदगी की बात की जाए, क्या क्या इसके पास बरामद हुआ और इसका जो फैमिली बैकअप और एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन स्कूलिंग इसने करी है, 5th तक इसने जैसे बताया है, बाकी एलिमेंट्री इंग्लिश और एलिमेंट्री हिंदी उर्दू इसे आती है। इसका हस्बैंड जैसे कि इसने बताया अभी सऊदी में है। सर, क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास? बरामदगी में इसका पहले हस्बैंड के साथ जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो एक बरामद हुआ है, पासपोर्ट्स और पाकिस्तानी सिटीजनशिप कार्ड्स इसमें बरामद हुए हैं। सर, अगर जो बात की जाए जिस तरीके से सीमा बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, एजेंसी को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाना और ग्रेटर नोएडा में रहना, तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी को आपके द्वारा कोई मैसेज दिया जाएगा? देखिए, जो पूरी केस की डिटेल्स हैं वो सारी सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ भी और यूपी में भी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ शेयर करी जाएंगी और इसमें कहाँ लैप्स हुआ उस पर भी इसमें जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑन होगी। फिर क्या जानकारी मिलेगी इसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में? इस चीज़ को अभी कॉरोबरेट किया जा रहा है, इसमें एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, ये फैक्ट अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। सर, सचिन क्या करता है? सचिन यहीं पर किराना की दुकान पर काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद DCP सादिया खान, जिनका साफ कहना है कि संरक्षण देने वाले आरोपी जो सचिन था और उसके जो पिता थे उनको गिरफ्तार किया, साथ ही उस महिला को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो उसके चारों जो बच्चे थे उनको पुलिस ने अपने जो हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी लग रही है क्योंकि नोएडा पुलिस ने इस पूरे गैम का खुलासा कर दिया है। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ सर, मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस मुझे वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2-3 घंटे साथ में रात को। अरे भाई, नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? किसी ने नहीं सर। और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? मैंने YouTube से वहीं सर्च करा था, YouTube पे देखा जी सर। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। आपके परिवार में किसी को पता है?